जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम शौकत सर। सो टुडेज टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही आप देख रहे हो, स्क्रीन पे भी आ रहा है मेरे राइट साइड में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज का टॉपिक है हमारा। तो जैसे हम करते आ रहे हैं इसका यूज देखेंगे हम पहले, इसका यूज क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले आपने देखा होगा इससे पहले, यू वॉच योर माई वीडियो दैट इज पास्ट परफेक्ट, वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या मैंने आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम पास्ट में, अगर पास्ट में दो एक्शन हुई है तो जो पहले वाली एक्शन हुई है उसको डिफाइन करने के लिए वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पे भी वैसा ही मसला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वैसा ही मसला, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ये थोड़ा सा चेंज क्या है, यहां पे भी अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हैं तो, लेकिन जो पहली वाली एक्शन हुई है वो कुछ देर तक, वो ज्यादा देर तक हम कंटिन्यूअस करते रहे हैं, ठीक है ना। वो करते रहते हैं वो एक्शन, उसमें हम कंटिन्यूटी लाते हैं, तो इसलिए हम यहां पे लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई हम यूज को देखेंगे, उसके बाद फिर से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, आप देखिए। तो यूज भी आ रहा है, आप यूज की तरफ देखिए आप। हाँ देखिए, अब टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन इन द पास्ट, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां पे इस्तेमाल करते हैं, ये उस एक्शन को हम बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई है, दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन। लेकिन ये जो ये एक्शन होती है ये कंटिन्यू रहती है, लगातार रहती है, कुछ देर तक, कुछ टाइम तक ये कंटिन्यू रहती है, तो उसके बाद कोई और एक्शन पास्ट में स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर आप, अब मैं कोई एग्जाम्पल आपको दूंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर मैं कहूंगा कि मैं अपनी बहन की रिंग ढूंढ रहा था 2 घंटे से, पूरी तरह से समझ लेना, मैं बोल रहा हूं फिलहाल मैं उर्दू में बोल रहा हूं, मैं अपनी बहन की जो रिंग है वो मैं ढूंढ रहा हूं 2 घंटे से। देखो 2 घंटे से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं, पास्ट में एक्शन है और कंटिन्यू में कर रहा हूं, 2 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूं रिंग को। उसके साथ ही मैं ये भी बोलता हूं कि फिर मैंने वो रिंग बाथरूम में पाई, ठीक है ना। फिर मैंने वो रिंग कहां पे पाई, बाथरूम में। तो बाथरूम में मैंने रिंग पाई, उससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं रिंग को ढूंढ रहा था कंटिन्यूअस। तो यही होता है ना कि फर्स्ट एक्शन इज बोथ हैपेंड इन द पास्ट, दोनों एक्शन पास्ट में हुए, मैंने रिंग भी पा ली, मैंने रिंग भी ढूंढ ली, लेकिन उससे पहले मैं 2 घंटे से रिंग ढूंढ रहा था। तो जो पहली वाली एक्शन कंटिन्यूअस में कर रहा था उसको डिफाइन करने के लिए आई हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका जो यूज मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, नीचे और एक पॉइंट लिखा मैंने, दैट इज इट ऑल्सो शोज हाउ लॉन्ग एन एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ये भी दिखाता है कि एक एक्शन पास्ट में कितनी देर तक रही है, यानी कि एक काम या जो भी आपने काम किया है पास्ट में कितनी देर तक आपने वो काम किया है। इसके लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसमें करते हैं कभी कभार, ठीक है ना। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम करते रहते हैं, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप आराम से आसानी से इस टेंस को आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो इतना ही याद रखे कि वी हैव टू शो, इफ वी हैव टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो बस इतना ही याद रखिए। अब एक काम करेंगे हम, यूज के बाद स्क्रीन पे अब कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनकी तरफ आप देखो। हाँ आगे अब एग्जाम्पल्स भी देखिए बेटा, अभी डरना नहीं है, डरने की कोई मसला, कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ अब फाइट करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं अभी आपको ये नहीं आएंगे, कुछ बच्चे कर पाएंगे एग्जाम्पल्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे इन एग्जाम्पल्स को। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, द फर्स्ट वन इज दे, उसके बाद ब्रैकेट है उसके, उसमें लिखा है वर्ब वेट WAIT, तो उसके बाद फिल द ब्लैंक है। करना क्या है आपको, यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। दे डायरेक्ट में लिखा है, वहां पे ब्रैकेट में लिखा है वेट, उसके बाद फिल द ब्लैंक है, एट द स्टेशन फॉर 90 मिनट्स व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। करो इसमें आपको लगाना है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या करोगे इसमें आप, फिल द ब्लैंक में वो तो वेट है वहां पे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल के क्या करना है, क्या करना है, नहीं कर पा रहे हो।
आधे बच्चे कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वी उसके बाद उसमें ब्रैकेट में लिखा है वो लुक फॉर, उसके बाद एडजेक्टिव है वी, जो मैं एग्जाम्पल आपको देखा था वो यहाँ पे है, वी लुक फॉर डाई डैश हर रिंग फॉर टू अवर्स एंड देन वी फाउंड इन द बाथरूम। क्या करोगे इसको आप, नहीं आ रहा है अभी आपको। देन अदर एग्जाम्पल आई, आपको नेगेटिव बनाना होगा, किसमें नेगेटिव बनाना होगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे बनाओगे आई, उसमें लिखा है ब्रैकेट में नॉट, देन वर्ब इज हियर वॉक डब्ल्यू एल के वॉक, देन देयर इज फिलिंग द ब्लैंक ओके फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट सडनली बिगन टू रेन। क्या करोगे, नहीं आ रहा है अभी आपको, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है उनको नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा डरना नहीं है, इसमें आपको परेशान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे समझोगे रफ वो सामने सारा ही नोट कर दो, और लास्ट में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ये सारे एग्जाम्पल्स एक मिनट में करोगे, ठीक है ना, सारे के सारे एग्जाम्पल्स खुद ब खुद करोगे आप, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। बने रहिए वीडियो के साथ, हम जाएंगे बोर्ड पे और बोर्ड पे दिखाऊंगा मैं आपको इसके यूज पे एग्जाम्पल्स देंगे, और फिर देखेंगे नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं, और आगे फिर लास्ट में हम करेंगे ये क्वेश्चंस भी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक होगी, उस लिंक को ओपन करना, और फिर लास्ट में जब लिंक को ओपन करोगे वहां से कुछ क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। You have to solve those questions by yourself after watching the video completely. पहले नहीं जाइए, लास्ट में जाइए। So we will go and we will move towards the board and we will see all this what this is past perfect continuous tense. Basic English grammar, the fun and easy way to improve your verbal skills. देखिए आप बेटा, अब इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, इस यू जो मैंने आपको यूज बताया था इस पे हम एग्जांपल्स भी देंगे अच्छी तरह से। तो आप आइए, पहले हम देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर। तो इसको हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, कैसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको स्ट्रक्चर जरूरी पता होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से ये कर पाओगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फॉर्म क्या है। देखिए बेटा करना क्या है आपको, फर्स्ट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट ओके। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगाना है, उसके बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसकी पास्ट पार्टिसिपल है बीन, वो लगानी है आपको, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आपको इंग करना है, वर्ब के साथ इंग लगानी है आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो याद रखो फिर से मैं कह रहा हूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म, याद रखा हैड बीन वर्ब के साथ इंग फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना याद रखिए, हिंट आपके लिए, हैड, हैड के बाद बीन है, बीन के बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म है, तो याद रखिए वो कौन सा टेंस है, वो है कौन सा टेंस, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए क्या होता है कि हम एग्जांपल देंगे, मैंने क्या बोला था कि व्हाट इट शोज एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, अगर एक एक्शन जो पहले वाली एक्शन है वो हम कंटिन्यूस करते हैं, वो हम लगातार करते हैं कुछ देर तक, ठीक है ना, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए उसको हम यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा वी हैड बीन स्टडींग ओके, वी हैड बीन स्टडींग ऑल डे सो वी टायर्ड। देखिए बेटा नजर रखिए पूरी तरह से, आप ध्यान दो यहां पे, आप मैंने क्या लिखा वी हैड बीन, देखो सब्जेक्ट तो वी है, वी के बाद मैंने हैड लिखा, हैड के बाद बीन लिखा, उसके बाद वर्ब है स्टडी, इसके साथ इंग किया तो हो गया ना वी हैड बीन स्टडींग, उसके बाद ऑल डे दिस इज अदर इंफॉर्मेशन ओके, सो वी टायर्ड। देखो यहां पे दो एक्शंस है, यहां पे ये वाली एक्शन भी है और ये वाली एक्शन भी है, दिस इज द एक्शन, दिस इज ऑल्सो एक्शन। सो वी टायर्ड का मतलब होता है हम फिर थक गए, पहले क्या किया, क्यों थक गए, पहले ये किया ना वी हैड बीन स्टडिंग ऑल द डे, पहले हमने क्या किया था हम दिन भर पढ़ रहे थे इसलिए हम फिर थक भी गए। दोनों एक्शन पास्ट में हुए लेकिन पहले कौन सी एक्शन हुई है, ये वाली एक्शन, और ये कुछ देर तक कंटिन्यू रही है, ये प्रोग्रेस में रही है, कंटिन्यू में रही है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक एग्जांपल देंगे, आप बने रहिए।
So see one more example that is here. They had been, they ke baad ye subject they hai yahan pe, had been playing football in the field. देखो यहाँ पे भी दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड. अब एक्शन कौन सी है और एक बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन. लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहे थे पूरी तरह से समझिए. दिस इज ऑल्सो इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके नाउ आफ्टर दैट आई टोल्ड दैट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस ऑल्सो टू शो हाउ लॉन्ग एन एक्शन कंटिन्यूड इन द पास्ट. ये भी हम इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल. जैसे अगर मैं यहां पर लिखूंगा I had been writing articles on various topics. Okay, for 3 hours. देखिए बेटा यहां पे भी आपको पता चल रहा है कि कितनी देर तक काम चालू रहा है पास्ट में. यहां से भी पता चलता है कि कितनी देर तक काम. तो पिछले तीन घंटे से मैं टॉपिक्स एक आर्टिकल लिख रहा हूं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे. ठीक है ना. सो हियर वी हैव टू शो व्हाट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब इसके बाद हम जाएंगे सीधे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ओके वी विल सी दैट. सो आप बने रहिए वीडियो के साथ. So see now how to form negative sentences in the past perfect continuous tense. आप past perfect continuous tense में कैसे negative sentences बनाते हैं उसकी तरफ आप देखो. So first we will see how to construct it. आपको पता ही है negative बनाने में हम क्या करते हैं not का इस्तेमाल. बस बाकी सारा वही होता है. देखिए क्या करना होता है subject के बाद क्या करना होता है हमें बेटा इस past perfect में subject के बाद had. ठीक है ना. auxiliary verb had. सब्जेक्ट के बाद हैड और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट और उसके बाद जो हम लगाते हैं बीन उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर इंफॉर्मेशन. बहुत ही इजी है वैसे ही. लेकिन हैड के बाद नॉट लगाना नेगेटिव बनाने के लिए. सब्जेक्ट हैड उसके बाद नॉट उसके बाद बीन उसके बाद वर्ब के साथ इंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब बनाएंगे कोई अब अफर्मेटिव में कोई लिखूंगा उसको नेगेटिव बनाएंगे. मैं पे लिखूंगा शी हैड बीन watching the movie. She had been watching the movie for 2 hours. Okay. देखिए बेटा ये पॉजिटिव है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसको हम नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव बहुत ही आसान है. मैंने कहा ना सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट और उसके बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताई है. तो वैसे ही करेंगे. सब्जेक्ट है शी इसको लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद हैड को भी लिखेंगे उसके बाद नॉट She had not. उसके बाद been watching. She had not been watching the movie for 2 hours. Easy है कि नहीं है. और एक sentence आपको बताऊंगा आप बने रहिए इसके. अब देखिए और एक सेंटेंस यहां पे मैंने लिखा है दे हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम दे हैड नॉट बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग. ये है इसका नेगेटिव. तो आप किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हो. पहले आपको क्या होना चाहिए पता इसका स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी हाउ टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस. ओके आप देखिए बेटा क्वेश्चन बनाने के लिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको करना क्या होगा किसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. यानी कि देखो ये बहुत ही इजी है. आप जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे यहां पे भी करना है. करना क्या आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको सब्जेक्ट से पहले लाओ क्वेश्चन बन जाएगा. यहां भी वैसे ही करेंगे. तो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे हैड उसको पहले लाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बीन उसके बाद वर्ब के साथ जो इंग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. हो गया आपका क्वेश्चन भी. अब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगा उसको हम क्या करेंगे उसको हम करेंगे क्वेश्चन में तब्दील. देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा he had been eating vegetables for 7 months. देखिए बेटा ये है अफर्मेटिव है पॉजिटिव. इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हैड लाएंगे पहले. Had he been eating vegetables for 7 months, then note of
interrogation or question mark. Okay, so this is easy to form questions and to form interrogative sentences, because first you should know only construction and for or form or structure. Agar aapko form pata hai, structure pata hai, construction pata hai, to ye aasani se aap question bana sakte ho. Ab dekhiye aage chalenge hum, aur aage main aapko bataunga jo examples maine aapko di thi us pe hum baat karenge. तो अब देखिए बेटा, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिए थे, अब उनके बारे में बात करेंगे हम. तो द फर्स्ट एग्जांपल वाज सी नाउ हियर ऑन द स्क्रीन. तो पहले एग्जांपल क्या थी, ये देखिए आप. दे उसके बाद मेरे ब्रैकेट में लिखा है वेट, उसके बाद आया जैसे एट द स्टेशन फॉर 90 मिनट्स व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड. इसका आंसर क्या आ जाएगा आप खुद भी बता सकते हो. तो बता अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है. तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, उसके बाद वे बीन लगाना है, उसके बाद लगाना है जो वर्ब दिया है इसकी इंग फॉर्म लगानी है. तो बहुत इजी है ना. अब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, दे हैड बीन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 90 मिनट्स व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड. ये था इसका आंसर. अब दूसरा भी है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने बताई थी आपको. दूसरी एग्जाम्पल वी, उसके बाद वर्ब जो लिखा है दैट इज लुक फॉर. अब करना क्या है, वी के बाद हैड लगाना है. वी हैड उसके बाद बीन, वी हैड बीन लुकिंग फॉर हर रिंग फॉर 2 hours एंड देन वी फाउंड इन द बाथरूम. ओके, सी नाउ द थर्ड एग्जांपल. तीसरे एग्जांपल आ रहे हैं. अब देखिए आई उसके बाद लिखा है नॉट वॉक, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है. कैसे नेगेटिव बनाते हैं, हैड के बाद नॉट, उसके बाद जो वर्ब लिखा है वॉक उसको इंग फॉर्म लगाएंगे. आई हैड नॉट बीन वॉकिंग, I had not been walking for a long time when it suddenly began to rain. तो बहुत ही इजी हो गया आपके, आप लोगों के लिए. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करते रहिए और फिर से वीडियो को देखिए और ये सारा नोट करते रहिए, ठीक है ना. तो एंड ऑल्सो वंस अगेन आई रिमाइंड यू दैट इज नाउ टू डू एक्सरसाइज बाई योर सेल्फ. देयर इज अ लिंक इन द कमेंट सेक्शन, एक लिंक है कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको आप खोल दीजिए. वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको आप खुद ही कर लो और आपका जो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बहुत ही ईजी हो गया आप लोगों के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.